बर्थडे के दिन ये कहना चाहूँगी कि मुझे एक साल अपना और बर्थडे मना के बहुत खुशी हो रही है एंड आई होप कि हम ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हर साल बर्थडे मनाते रहें. ऑलवेज. आपको दिख रहे हैं मेरे जूते, आपको दिख रही है मैंने ड्रेस शॉप करी. आई लव शॉपिंग और बर्थडे से पहले आपको एक और बहाना मिल जाता है बर्थडे शॉपिंग करने का. बर्थडे शॉपिंग करने का. कुछ नहीं, रवि ने ऐसे मैं कपड़ों के मामले में बिल्कुल मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा टेस्ट इसको बिल्कुल समझ नहीं आता कपड़ों के मामले में. सो इट नेवर वर्क्स. मैं ये बोल सकता है हां बेबी ये ठीक है चलो. अच्छा दिस इज नाइस सो वी कैन गो विद दिस. अब तक का जो बेस्ट बर्थडे रहा आपका वो शेयर कर सकते हैं जो रवि ने आपको सरप्राइज किया. या वो हर साल मेरे लिए मेरे बर्थडे पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ तक जाता है तो आई थिंक एवरी ईयर मेरा बर्थडे और बेटर होता जाता है एंड दिस ईयर विल बी माय मोस्ट फेवरेट ईयर. अगले साल मेरा अगले साल मोस्ट फेवरेट ईयर होगा. अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और ये अच्छी लगती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ जाऊंगा एक पार्टी में जो अच्छी लग रही है. यू नो सो नो शी इज आई सेड दैट शी इज द वन हु मेक्स द लुक द क्लोथ्स लुक ब्यूटीफुल सो शी वाज लुकिंग लवली एंड इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग. जी 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 यार दे मेड सम हैप्पी बर्थडे सरगुन ट्रेंडिंग दो दिन बिफोर माय बर्थडे आल्सो एंड यू नो दे पुट इन सो मच टाइम सो मच एफर्ट एंड थैंक यू सो मच सो सो मच वी लव यू. हम आपसे ही हैं तो अपनी दुआएं हमारे साथ बनाए रखिएगा. यार आई गॉट फ्लावर्स फ्रॉम द US और कल ही मुझे मेरे फ्रेंड ने फोन करके कहा वो US से किसी लड़की ने भेजे हैं. किसने? यू नो द नेम? समबडी फ्रॉम द US सेंट मी फ्लावर्स एंड अ केक. मैं सुबह से पूछ रही कौन है कौन है कौन है. मैंने कहा कि आपको किसी ने वहाँ से भेजा ना. हमने कह रहे यार इतनी एफर्ट करते हैं रवि को इंडोनेशिया में लोग केक और फ्लावर्स दे रहे थे मेरे बर्थडे के लिए. या दैट वाज हैपनिंग रियली रियली. सो इन जकार्ता आल्सो लोग जो है मैं कुछ 5-6 दिन के लिए वहाँ पे था एंड देयर इज सो मच लव इन पीपल्स हार्ट्स. तो उनको पता था मैंने छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी किया था वहाँ के एक शो में सरगुन के बर्थडे का. तो जिस तरीके से दे केम बैक विद गिफ्ट्स एंड केक्स एंड गॉड नोज व्हाट नॉट एंड सो वी जस्ट वेरी 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 लकी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑल दीज पीपल जो हमें शायद रूबरू नहीं हुए हैं हमारे साथ हमें जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और वो जो अच्छा सोचते हैं वो हम तक पहुँच जाता है और वो कुछ ना कुछ बरकत बन के हमारी ज़िंदगी में आ जाता है. वेल हमारे जो गैंग है हम हमेशा पागलपंती करते हैं तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. आई मेक इट अ पॉइंट टू कम फॉर रवि एंड सरगुन्स पार्टीज ऑलवेज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी गुड पीपल दे आर वेरी गुड होस्ट. वो अपने गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं एंड दे बोथ वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. आई लव देम. यस मैं कभी खाली हाथ नहीं आती हूँ. वेल लेकिन मैंने उसको यू नो वाउचर दिया सो दैट यू नो शी कैन शॉप टू अ हार्ट्स कंटेनर और व्हाटएवर शी वांट्स टू पिक अप अपने चॉइस का वो पिकअप कर सकते हैं. ओ यू नो आई एम नोन टू गिव द बेस्ट गिफ्ट्स. मैं हमेशा थॉटफुल हूँ और मैं सबके लिए सोचती हूँ तो इनफैक्ट आई थॉट यू नो उसको शॉपिंग बहुत पसंद है तो वो अपनी चॉइस का कुछ भी उठा सकती है. बट ऑब्वियसली मैं बहुत प्लानिंग पहले से ही करती हूँ. वेल इट्स स्काई डेक इट्स अ पूल पार्टी दैट्स व्हाई मैंने ब्लू पहना है एंड ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ ब्यूटिफुल वेन्यू एंड इट्स ओन्ड बाय आवर फ्रेंड चिराग. सॉरी या हैप्पी बर्थडे सरगुन द मोस्ट वाइब्रेंट एंड बबली गर्ल. कीप स्माइलिंग लॉट्स ऑफ स्माइल्स लॉट्स ऑफ सनशाइन कमिंग योर वे. उसके लिए हमेशा बेस्ट विशेस ऑलवेज. शी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल. वो एक्चुअली बिल्कुल बड़ी हुई नहीं है सिर्फ एज नंबर बढ़ रहा है उसका बट अदरवाइज शी इज स्टिल द सेम. जो उसको मैंने 2010 सो आई हैव नोन हर सिंस 2010 सात साल से जानता हूँ उसको मैं और वो वैसी की वैसी है. दिल की उतनी साफ है और हैप्पी गो लकी एंड ऑलवेज रेडी टू हैव फन. ये सब यही पूछ रहे हैं प्रेपरेशन. आई थिंक आप सब जानते हैं सरगुन को बहुत अच्छी तरह इसीलिए पूछ रहे हैं प्रेपरेशन क्या की है. सरगुन की सरगुन और रवि के पार्टीज़ के लिए एक ही चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए. यू हैव टू कम एम्प्टी स्टमक. यू हैव टू कम एब्सोल्युटली विद नथिंग इनसाइड यू सो दैट यू कैन इन्जॉय योर सेल्फ यू कैन ईट यू कैन ड्रिंक यू कैन हैव अ गुड टाइम एंड दैट्स माई प्रेपरेशन.
That's right. Loose dress actually isliye bhi pehna maine because it's really hot and I thought of changing. I thought of wearing something else, but it's very humid and I'm a shoot se aa rahi hu. So you know, I just wanted to be comfortable and easy and not made. And I think when you're with your people, you know, Ravi Sargun, they're my people, so I feel like there's no need for me to make an effort. It's not like I'm meeting them once in a blue moon or feeling nahi aayi. So yeah, it's I'm just here for my friends and I'll be very happy sitting in one corner with them. So Sargun ke liye gift main usse puchungi because by God's grace she has everything and I hope that she always has everything, but I'm going to ask her what she wants. सगुन की बर्थडे के आगे के लिए मैं स्पेशली शॉपिंग गई हूँ, तो लुक तो वे आर हर चीज़ ब्रांडेड है जो मैं पहन रही हूँ. और या आई मीन इट्स द इवेंट ऑफ द ईयर, सो आई हैड टू लुक लाइक दिस. मैं लोकंड वाला गया था. इग्नोरिंग मी शायद आज आपने. नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्टी. वी आर हियर टू हैव फन, विश सगुन एंड दैट्स अबाउट इट. पार्टी के लिए इतनी प्रेपरेशन नहीं करनी होती है, कपड़े पहन के गाड़ी में बैठना होता है एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी डू. लव द गिफ्ट ऑफ लव. देखो मैं गिफ्ट ऑनेस्टली आई डोंट गिव पीपल गिफ्ट एंड आई डोंट इवन लाइक रिसीविंग इट. ये मैं बहुत लोगों से कह चुकी हूँ. देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नीड गिफ्ट, हु नीड मनी, हु नीड थिंग्स, एंड अगर ऑल ऑफ अस पुट इन आवर मनी टुवर्ड्स दैट, दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस. ओह, ये तो आपने बताया मुझे, मुझे पता ही नहीं था कि पूल साइड पार्टी. ओह वाह, ये तो पार्टी है. सगुन ने ये भी कहा है कि अगर हम पहुंच पाएंगे वहां तक तो जरूर पार्टी कर पाएंगे. मेरे को लग नहीं रहा कि वहां तक पहुंच पाएंगे. सरगुन को ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स रवि विल गो आफ्टर हर. फिर जितने और लोग कूदेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो भारी हूँ. सगुन ने ये कहा है कि जो उनकी तारीफ नहीं करेगा वो उन्हें फेंक देंगे. अच्छा, तो हमने तारीफ की है यार. मतलब हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, अब यहाँ तो कर ली है, वहाँ ऊपर जाके मतलब आई विल से एवरी प्रेज इन द बुक फॉर सगुन. सो आई एम नॉट इन द पूल. Wish you a very, very happy belated birthday now, Sargun. May you get all the happiness in the world. You're a wonderful person and may wonderful things happen to you. We love you. सरगुन के बर्थडे के लिए मेरे हिसाब से रवि ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की थी. यू हैव टू सी हिज मैसेज. जब रवि का मैसेज आया, इतना सुंदर मैसेज था, मुझे लगा इन दोनों कपल, इस कपल को फ्रेम करके कहीं पर रखना चाहिए. तो आई एम श्योर सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन रवि ने की होगी. उसके इनवाइट पे जब मैंने सरगुन को भी देखा, मैंने कहा वाओ, ये बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है. तो हाँ, वही है, हम तो चिल होने आए हैं. आई डोंट नो, एट सम पॉइंट मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कोई ना कोई पूल में धक्का मुक्की करने लगे. यू नो, वी विल बी जंपिंग इन द पूल एट द एंड ऑफ इट इज़ व्हाट आई थिंक. ओह शख्स, सरगुन डूड, सरगुन से क्या है ना, मेरी मुलाकात हर कुछ दिनों में होती रहती है, महीनों में, दिनों में होती रहती है, और हम तब हैंग आउट करते हैं. मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट आज सरगुन के लिए होगा कि मैं उसके चेहरे पर लाल लिपस्टिक के साथ बहुत बड़ा किस करने वाली हूँ और उसको सोशल मीडिया पर डालने वाली हूँ. एंड आई विल राइट गेस हू इट्स नॉट अ गर्ल, ऐसे कुछ कर दूँगी मैं. मैं तो ऊपर जाके पहले गिनूंगी कि कौन कौन है वहाँ पर. मेरे फेवरेट टेलीविजन शोज़ के आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी के टेलीविजन शोज़ के मेरे हिसाब से लोग होंगे. एंड एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में यू नो रवि भी हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको पानी में फेंक के देखने का मज़ा अच्छा होगा कि सबसे ज़्यादा वो अपना ब्रेथ होल्ड कर पाते हैं कि नहीं. हिट हो नहीं रहा भाई, हाँ करेक्ट. मैंने सुना है कि दुनिया भर में ये लाइनें फेमस होने लगी हैं. इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश भी इसके बारे में गाना गाने लगे हैं, और ये गाना अभी बारिशों के बारे में ना होते हुए लोगों के स्कूल्स के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, सैलरीज़ के बारे में, शासन के बारे में, पॉलिटिशियंस की हर चीज़. तो मुझे लगता है इसका कॉपीराइट जो मैंने दुनिया को दे दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बेहतर चीज मैं, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर और म्यूजिक वीडियो इस तरह के देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स, ऑफ
हाँ, मैं क्या है मैं हमेशा से गायिका थी और शायरा थी, तो क्या है कि अचानक से इस गाने की वजह से मेरा ये हुनर भी आप लोगों के सामने आ गया है और मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं. मुझे एक्चुअली रोज़ कोई बताता है कि इसके बारे में लिख दो, उसके बारे में लिख दो, उसके बारे में लिख दो. तो प्रोसेस चालू है और इस प्रोसेस के बीच में मैं मौन व्रत धर लेती हूँ. ये तो आज सरगुन के बर्थडे की वजह से बोल रही हूँ, वरना इसलिए मैंने कहा ना कि सरगुन तुझा हैप्पी बर्थडे आज, हाय ना. थैंक यू सो मच. सरगुन की गिफ्ट पेंडिंग रहेगी बिकॉज आई वॉज शूटिंग टुडे और मैं जा नहीं पाई थी, तो आई रियली वॉन्ट टू आस्क हर कि उसे क्या चाहिए. सो आई बिलीव इन गिफ्टिंग पीपल व्हाट दे नीड और व्हाट दे वांट. हम आ चुके हैं ऑलरेडी इस जगह पे बहुत बार एक साथ. आज किसको पूल में फेंकने वाली हैं? मैं किसी को क्यों फेंकूंगी यार, सब अच्छे से ड्रेस होके. अगर मुझे कोई पूल में फेंक देगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा. आई वुड नेवर पुश एनीबॉडी इनटू द पूल अंटिल एंड अनलेस जिसको गिरना हो गिरे. She's the most gorgeous, she's the most prettiest, and she's the most beautiful soul I've ever known. I hope, Sargun, that's more than enough for you. I'm really, really happy ke Sargun ne birthday bash kiya hai, and Ravi Sargun dono ne, and I really love it. Sargun ke liye kitni planning ki hai, kya सरगुन एक्चुअली इस बार मैं कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाई सरगुन को. लास्ट बर्थडे पे मैंने बहुत ही प्रीति सा क्लच दिया था सरगुन को विच शी लव. इस बार में अब मैं कुछ भी नहीं कर पाई, बीइंग सो बिजी या बीइंग ऑनेस्ट. आई फील रियली नाइस कि आप जैसे आपने कहा बॉयज़ मेरे लिए देखते हैं सारे गाँव पर, तो नॉट ओनली बॉयज़ एक्चुअली सब. मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे, मम्मी पापा सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं. आई थिंक आई एम रियली लकी. सरगुन के लिए मैं यही कहूँगी कि या देयर इज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ माइन, एंड सरगुन के लिए मैं दिल से ये गाना चाहूँगी. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. बहुत सही लग रहा है. ही इज द क्यूटेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट लवेबल, एंड द मोस्ट नॉट रिस्पेक्टेड बट स्टिल. Okay, I just quickly want to wish Sargun a very happy birthday. Happy birthday, and Sargun. She's a jaan, she's a, you know, she's a doll. And just win more film fairs. Absolutely, yeah. And you know, pass 2-3 to us also. Yeah, and happy birthday, yaar. And I love you, we love you. There was a pair bhi todwa liya. Sargun, happy birthday. Happy